अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मौसूफ गजल को गजल की तमाम रवायत का ख्याल रखते हुए बड़ी मोहब्बत से आपने भी सुना, हमारे दोनों मेहमान तमाम मेहमान ने भी बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। हाजरीन, ये जो महफिल है, ये महफिल बड़ी खूबसूरती से चल रही है और इसका सहरा आज के नाज़िम में मुशायरा आली जनाब यूसुफ दीवान साहब के भी सर जाता है। आली जनाब, राहत इंदौरी ने कहा था कि एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं याम का है। चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, ये मेरा कौल नहीं हजरत खयाम का है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। या फिर यूं कह लीजिए कि गजलें कहना खेल कहाँ है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हाजरीन, जब कभी यूसुफ दीवान साहब को सुना जाता है, मैंने अक्सर उन्हें जो है यूट्यूब पर ही सुना है, तो हमें एहसास होता है कि रिवायत किसे कहते हैं, हमें एहसास होता है कि अदब किसे कहते हैं, तहजीब किसे कहते हैं। उनकी निजामत में, उनके अशार में जो है रिवायत और अदब बिल्कुल वाज़ह तौर से झलकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि रिवायत कलम बरदार आली जनाब यूसुफ दीवान साहब को हम आज की इस महफिल मुशायरे में, इस अदबी नशस्त में समाप्त करते हैं। इस शेर के जरिए मौसूफ को दावत कलाम दूंगा कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। जाने क्यों वक्त भी आंखें भी कलम भी लब भी आज खामोश हैं गुजरे हुए सालों की तरह। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आज के नाज़िम में मुशायरा और बेहतरीन शायर जनाब यूसुफ दीवान। इजाजत चूंकि वक्त काफी बीत चुका है, चंद अशआर अब्दुर्रहूम चौधरी साहब। अर्ज किया है कि कीजिए सबको खबरदार नसर सा जाए, कीजिए सबको खबरदार न समझा जाए, मंजिले इश्क को हवार न समझा जाए। मुन्ना भाई के कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब, क्योंकि आज यौम जमहूरिया है। कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए, चंद लोगों ही को हकदार न समझा जाए। कुछ न कुछ अपना लुटाया है वतन पर सब, चंद लोगों ही वो हकदार न समझा जाए। हिजर में, वसल में या ख्वाब में बेदारी में, जाहिर सा हिजर में, वसल में या ख्वाब में बेदारी में, कोई लम्हा कहीं बेकार ना समझा जाए, कोई लम्हा कहीं बेकार ना समझा जाए। और मसलहत ने, क्योंकि आप तमाम बखूबी वाकिफ हैं कि आज के हालात हाजरा क्या हैं, सियासी हालात कैसे हैं, मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मेरी खामोशी को इकरार ना समझा जाए। मसलहत ने मेरे होंठों पे लगाए पहरे, मेरी खामोशी को इकरार ना समझा जाए। और आज की आबरू सदारत अब्दुर्रहूम साहब और मेहमान ने खुसूसी जमाल खान साहब के तेरी उल्फत ने किया सबसे किनारा हमने, तेरी उल्फत ने किया सबसे किनारा हमने, हमसे पागल को समझदार ना समझा जाए। तेरी उल्फत ने किया सबसे किनारा हमने, जज़ाकअल्लाह। तेरी उल्फत ने किया सबसे किनारा हमने,
हमसे पागल को समझदार न समझा जाए, और हम भी यूसुफ हैं मुन्ना भाई, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहां यूसुफ से, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहां यूसुफ से, फिर हमें रौनक बाजार न समझा जाए, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहां यूसुफ से, फिर हमें रौनक बाजार न समझा जाए। हाजरी क्योंकि वक्त बहुत कम हो गया है, हम भी यूसुफ हैं, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहां यूसुफ से, फिर हमें रौनक बाजार न समझा जाए। हाजरी दबिस्तान उर्दू की जानिब से मुनक़्क़दा ये प्रोग्राम जो ज़ाहिद आज़ाद के नाम से मंसूब है, उनके एजाज में ये मुनक़्क़द किया गया है और इसकी सदारत फरमा रहे हैं जनाब अब्दुर्रऊफ चौधरी साहब, मेहमान ख़ुसूसी हैं जमाल खान साहब, हमारे फजलुर रहमान साहब जो अंजुमन बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के रूह रवा हैं। आलम निज़ामी ने जहाँ पर बात खत्म की थी, मैं असल में दो मिनट और लेना चाहता हूँ क्योंकि शायरी सिर्फ तफरी तबा का सामान है। आलम निज़ामी के तमाम अशआर दिलों को छू छू वाले हैं, जो रख रखाव जो क्लासिकल रचाओ आलम निज़ामी के यहाँ पर सोने पे सुहागा ये कि उनकी जो आवाज़ उसने उसको जिला बख्शा। उन्होंने खुद कहा है कि जिस मर सकता है आवाज नहीं मर सकती, याद रखना मेरी आवाज दबाने वाले। उनका एक शेर खास तौर से मुझे मुतवज्जा किया है शेर ने कि चाहती क्या है ये आवारा मिजाजी मेरी, एक मरकज पे हमेशा नहीं रहने देती। दोस्तों ये शेर को तारीख कोट करेगी क्योंकि इस मकाम पर जब शायर पहुंचता है जहां खिरद और जुनून का फासला कम हो जाता है तब कहीं जाकर ये शेर निकलता है। इसी तरह इसी को गालिब ने यूं कहा था कि हम वहां हैं जहां से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती। इसी ख्याल को मोमिन ने कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। किसी ने यूं कहा था कि वहशत में मैंने जाने पता किसका लिख दिया, वहशत में जाने मैंने पता किसका लिख दिया, आया मेरा ही खत मेरे खत के जवाब में। ये शायर की वो कैफियत होती है जो जज्बों मस्ती की कैफियत होती है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आलम निज़ामी को कि आप उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर फिक्री काविशों को एक जिला मिलती है।